तो कल गृहमंत्री अमित शाह के तून प्रस्तावित दौरे को लेकर ड्यूटी में लगी फोर्स को अलर्ट किया गया और पुलिस लाइन में ईडीजी के साथ साथ अगर बात की मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, आदरणीय गृहमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब से जोशीमठ की त्रासदी हुई, जब से ये भूस्खलन हुआ, वहां पर आपदा की स्थिति पैदा हुई, लगातार हर बार उन्होंने हमको भरोसा दिया, आश्वासन दिया कि उत्तराखंड की जोशीमठ के लोगों की पूरी मदद की जाएगी। उसी क्रम में आज हमको निश्चित रूप से धनराशि मिलने से अब तेजी से सारे पुनर्वास और विस्थापन और विकास के और पुनर्निर्माण के सारे कार्य वहां पर संपन्न होंगे। और इसी के साथ पार समाचार में अभी के लिए बस इतना ही।